नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह को पिछले काफी वक्त से सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाया गया है। देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से एम्स में भर्ती किया गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण नेगेटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं अब अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ के चलते फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस से होने वाले बदतर हालातों को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट वायरस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। संबंधित प्रोटोकॉल में मरीज की रिकवरी और कम्युनिटी लेवल पर वायरस की रफ्तार को कम करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के कई खास नुस्खों के बारे में बताया गया है। इस दौरान लोगों को हल्का फुल्का व्यायाम भी करने की सलाह दी गई है। पूरी दुनिया जिस वायरस वैक्सीन के इंतजार में, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल को ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोकना पड़ा था। अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी बयान सामने आया है। वायरस के बयान में कहा गया कि ऑक्सफोर्ड वायरस वैक्सीन के ट्रायल ब्रिटेन के सभी परीक्षण केंद्रों में फिर से शुरू किए जाएंगे। विश्व स्तर पर करीब 18,000 लोगों ने अध्ययन के टीके प्राप्त किए हैं। इस तरह के बड़े परीक्षणों में यह उम्मीद की जाती है कि कुछ प्रतिभागी अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वायरस के खतरे को हल्के में लेकर नियमों का पालन न करने वालों पर पुणे पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2 सितम्बर से लेकर 10 सितम्बर तक बिना मास्क घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने पीएमसी के साथ मिलकर 27,999 लोगों के चलान किए हैं। 500 रुपए के चलान से 1,39,94,500 रुपए इकट्ठे किए गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में वायरस का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है, जिसके चलते पुणे पुलिस ने मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना लगाया है। महामारी के मद्देनजर बड़ी सावधानी बरतते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन कर रहा है। इस बार नीट एग्जाम के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। नीट 2020 एंट्रेंस की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और जबकि दूसरी शिफ्ट परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई है। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज का दिन बिहार के लिए काफी अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े 3 प्रमुख प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं में पारदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का विस्तार और 2 LPG बॉटलिंग प्लांट शामिल है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने सुशांत सिंह मामले में ड्रग डीलर करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे को गिरफ्तार किया है। केजे के पास से गांजा और चरस बरामद किया गया है। इसके अलावा ड्यून एंथोनी फर्नांडिस में 2 ड्रग्स पेडलर को दादर वेस्ट इलाके से पकड़ा गया है, जिनके पास से 500 ग्राम गांजा मिला है। एनसीबी ने अंकुश अरेंजा को पवई से दबोचा है, जो केजे से ड्रग्स लेता था। उसके पास से 42 ग्राम चरस, जिसकी कीमत करीब 1,12,000 रुपए बताई गई है, बरामद किया गया है। अब इस मामले में और बड़ी मछलियों के पकड़े जाने की भी संभावना है। देश में लगातार हर दिन 90,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,114 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में वायरस के मरीजों की कुल संख्या 47,54,356 पर पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 78,586 हो गया है। देश में अब तक 37,02,595 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 9,73,175 है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में महामारी के 6,846 नए मामले सामने आए और इस तरह राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 67,955 हो गई है। इसके अलावा 2,33,527 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी का प्रतिशत 76.35% हो गया है। अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 73,58,471 सैंपल्स की जाँच हो चुकी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां वायरस के 10 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 2,80,138 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 29,115 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,28,512 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर महाराष्ट्र एक देश होता तो आज यह दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा महामारी से प्रभावित देश होता। झारखंड में संक्रमित 1,420 नए मरीज सामने आए और इसी के साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60,460 का आंकड़ा पार कर गई, जबकि प्रदेश में मरने वाले मरीजों की संख्या 542 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 45,074 लोगों ने वायरस को मात दे दी है।
शिवसेना के संपादकीय सामना में एक बार फिर से अभिनेत्री कंगना रनौत और बीजेपी पर हमला किया गया है। सामना में लिखा गया है कि मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली के अभिनेत्री के पीछे कौन है, महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को एक हो जाना चाहिए, ये मुश्किल दौर आ गया है। सामना में लिखा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ग्रहण लगाने का प्रयास एक बार फिर से शुरू हो गया है, ये ग्रहण बाहरी लोग लगा रहे हैं। सामना के संपादकीय में बीजेपी पर हमला करते हुए सामना में लिखा गया कि मुंबई को पहले पाकिस्तान और बाद में बाबर कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, इसे दुर्भाग्य ही कहना होगा। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का नाम आते ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया है। सीताराम येचुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि विपक्ष को लपेटा जाए किसी भी तरह से। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह है मोदी और बीजेपी का असली चेहरा, चरित्र, चाल और चिंतन, इनका विरोध तो होगा ही। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली दंगे से जुड़े एडिशनल चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सीताराम येचुरी समेत अन्य कई लोगों के नाम शामिल है। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक को टाल दिया गया है। 19 सितंबर को तय बैठक अब अक्टूबर में होगी। यह बैठक आगामी 5 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र ने पिछले महीने फैसला किया था कि जीएसटी काउंसिल की 41वीं और 42वीं बैठक 27 अगस्त और 19 सितंबर को होगी। हालांकि उस समय संसद के मानसून सत्र पर फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अब मानसून सत्र चलने की वजह से इसे 5 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल रहा और बीच आसमान में ही भटक कर क्रैश हो गया। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को वैज्ञानिकों से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रोब जमाने की हो रही है, इसलिए उसके कई स्पेस मिशन लगातार फेल हो रहे हैं। वायरस पर नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बड़ी ही चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम खुद भारत के पड़ोसी मुल्क की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस से जंग में पाकिस्तान सरकार की रणनीतियों का समर्थन किया, जहां वायरस से निपटने के लिए वर्षों पहले बनाए गए पोलियो के बुनियादी ढांचे का ही सहारा लिया गया है। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटने के लिए कल शनिवार को चुशल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हुई। यह वार्ता बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। हालांकि बैठक निर्णायक रही और दोनों पक्षों द्वारा अगले कुछ दिनों में कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 6वें दौर का आयोजन करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत समूह ख और ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इस दौरान हर 6 माह में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे, लिहाजा 5 साल बाद उन्हीं कर्मचारी को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60% अंक मिलेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन किया है। एक बार फिर से पार्टी में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वो 23 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को पिछले महीने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी, वो फिर से नाराज हैं। पार्टी के खिलाफ इनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर इन नेताओं ने शनिवार को दिल्ली में एक अहम बैठक की है। बैठक में चिट्ठी लिखने वाले 23 में से 18 नेता मौजूद थे। बता दें कि संगठन में बदलाव के तुरंत बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जताई थी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ चल रही जुबानी जंग में अब अक्षय कुमार को भी घसीट दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब कंगना ने मुंबई का अपमान किया तो अक्षय कुमार जैसे अभिनेता भी इस शहर के समर्थन में नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि जब मुंबई का अपमान होता है तो ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। बता दें कि पिछले दिनों कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी। इसके बाद उनके इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।